के सभी बंधुओं का हम हाथ जोड़ के विनम्रतापूर्वक स्वागत करते हैं। और साथियों, जो कुछ लोकल मसले थे हमारी, पहले भी यहां जो लोकल हमारा भाईचारा है, सभी गांव के लोग हैं, खाकों के मान सम्मानियों के प्रधान हैं, उनके साथ हमारी पहले भी मीटिंग होती रही है और आज भी लोकल कोऑर्डिनेशन के लिए ये मीटिंग हुई है। और इसमें मुख्य तौर पे जो हमारे साथी हैं उन सबका विभिन्न गांवों से आए हैं, यहाँ के जितने भी गांव लगते हैं सिंघू बॉर्डर के ऊपर, सबके साथी यहाँ पे आए हैं। और हमने उनसे ये बात कही है कि भाई, जो लगभग 7 महीने से हमारा आंदोलन चल रहा है वो लोकल लोगों के पूर्ण समर्थन और सहयोग के कारण ही इतना मजबूती से चल रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा आसपास के लोकल गांवों के सभी साथियों का, सभी बुजुर्गों का, सभी नौजवानों का, सभी माताओं बहनों का बार बार धन्यवाद करता है। कई बार हमारे कुछ साथी अति उत्साह में आके कई बार ऐसी कुछ समस्याएं आदि आई, लेकिन उन समस्याओं को भी हमने बातचीत के जरिए उनका समाधान किया और आंदोलन को लोकल इलाका पूर्ण मजबूती दे रहा है, पूर्ण सहयोग और समर्थन दे रहा है। और आज भी ये बात प्रमुख रूप से सामने आई और लोकल लोगों ने भी उस बात को रखा कि कुछ यहां पे पार्टी विशेष के लोग, बीजेपी आरएसएस के लोग, जिन्होंने पहले भी कुछ गलत हरकतें की थी, हमारे लंगरों में वो रेत फेंक के भागे थे वहां से, उसके बाद इस पूरे इलाके ने खड़े होकर ट्रैक्टर यात्रा भी निकाली थी, आंदोलन को पूरा समर्थन दिया था, वही टीम दोबारा से एक्टिवेट होके आंदोलन को बेवजह बदनाम करने का प्रयास कर रही है। और ये चीजें बीजेपी आरएसएस की तरफ से सिर्फ सिंघू बॉर्डर पे ही नहीं बल्कि अन्य बॉर्डरों पे भी ऐसी साजिश रची जा रही है। जो टीकरी बॉर्डर पे 2 दिन पहले घटना हुई, जो एक आत्महत्या का मामला था, जानबूझ के बीजेपी के पूर्व विधायक और अन्य लोगों द्वारा उसको जानबूझ के हत्या का मामला बनवाया गया और किसानों को बेवजह पकड़ा जा रहा है। आज उस विषय में संयुक्त किसान मोर्चा के एक प्रतिनिधि मंडल ने एसपी झज्जर से मुलाकात की और उनको सारे साक्ष्यों से अवगत कराया। जो मृत जो साथी हैं, जो भी इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी जो एक वीडियो है जिसमें वो खुद ये कह रहे हैं कि वो अपने परिवार से बहुत परेशान थे और अपने बॉर्डरों पे किसान आंदोलन। इस मीटिंग में जो लोकल साथी हैं, उन लोकल साथियों ने ये पूरा विश्वास जताया है कि आसपास का गांव गोहन जिस तरीके से आंदोलन में आज तक पूर्ण सहयोग समर्थन करता आया है, आगे भी ठीक इसी तरीके से ये पूरा इलाका आंदोलन के सहयोग में ही खड़ा रहेगा और आंदोलन को लगातार मजबूती देने का काम करेगा। तो सबसे पहले जो आज की जो मीटिंग हुई उसकी अध्यक्षता जो करी गई, वो अध्यक्षता करी गई हमारे अंतिल खाप, जो अंतिल चौबीसी है उसके प्रधान है हवा सिंह अंतिल जी। उसके अलावा पंजाब के भी हमारे कई सीनियर नेता बैठे हैं, सिरसा जी हैं, दर्शन पाल जी हैं, मेलो जी हैं और भी बहुत सारे साथी हैं। तो सब जो है हमारे लोकल लोग भी और पंजाब के साथी भी, वो भी एक एक करके अपनी बात रखेंगे। तो मैं निवेदन करता हूं आदरणीय हमारे जो हवा सिंह अंतिल जी हैं, क्या क्या चीजें आज तय की गई हैं, जैसे आगे गांव गांव में मीटिंग होगी, सारी बातें वो आपको विस्तार से बताएंगे आदरणीय हवा सिंह अंतिल जी। आज की मीटिंग में हमने ये तय किया है कि जो हमारे आसपास के गांव हैं और हमारे आसपास से जो हमारे किसान मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, मीटिंग में सबसे पहले हमने ये पास किया कि हम हर गांव में अपने वॉलंटियर बनाएंगे और हर गांव में पंचायत के चौपालों में पंचायत के करेंगे और गांव के लोगों को इन काले कानूनों के प्रति जागृत करेंगे और लोगों को समझाएंगे ताकि किसान आंदोलन को मजबूत कर सकें। दूसरा, हमने इस मीटिंग में तय किया है कि जाने अनजाने में हमसे कोई भूल होगी हो तो हम उसके लिए क्षमा याचना करते हैं, लेकिन सरकार द्वारा जो जानबूझ करके इस आंदोलन को तोड़ने के लिए असामाजिक तत्व किसानों के वेश में भेजे जा रहे हैं, जो कि शरारतें करते हैं, रोडों को रोकते हैं, जो बदतमीजी करते हैं, वो हमारे किसान भाई नहीं है, वो सरकार के नुमाइंदे हैं जो संघों के द्वारा नहीं, आरएसएस और बीजेपी के द्वारा पैसे देकर के आंदोलन को खराब करने के लिए भेजे गए हैं। इसके लिए
हमने अब सभी ने एक तालमेल कमेटी का गठन करने की घोषणा की है ताकि हम ऐसे तत्वों पर निगरानी रख सकें और ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। जो एक किसान आंदोलन को तोड़ने की कोशिश कर रही है सरकार, ये इनकी जो है कहीं भी मनमानी नहीं करने दी जाएगी और इनके मंसूबे सरकार के मंसूबे हम सभी किसान संयुक्त मोर्चा की तरफ से उनके आदेश अनुसार उनके मंसूबे को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। आज की मीटिंग का जो मेन एजेंडा है, अगर एक दिन संयुक्त मोर्चा का जो मंच होगा हफ्ते में या 15 दिन में वो लोकल ग्रामीणों को दिया जाएगा, उस दिन सारा मंच से जो है प्रचार प्रसार जो है लोकल आदमियों के द्वारा की जाएंगे। हमने ये देखा है कि किसानों के आंदोलन को देखते हुए ये सरकार हताश हो चुकी है, क्योंकि हरियाणा में किसी भी MLA MP या मंत्री को अपने गांव तक भी नहीं जाने दिया जा रहा, उनका हर जगह बहिष्कार किया जा रहा है। तो ये सरकार इतनी हताश हो चुकी है कि इसको सवाए आंदोलन को खुरदबर करने के कोई कुछ नजर नहीं आ रहा, जबकि ऐसा हम सभी किसान सजग हैं और सतर्क हैं इस मामले में, और हम अपने बॉर्डर पे तीनों चारों बॉर्डरों पे अपने वॉलंटियर और तालमेल कमेटी के साथ ऐसे असामाजिक तत्वों का मुकाबला करने के लिए सदैव तैयार हैं। ये सरकार दिमाग से निकाल दे कि हम आंदोलन को तोड़ देंगे, इनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होने दिए गए। मैं सभी अमीडियो वाले का अपने मन से बहुत ही धन्यवाद करता हूं, जो हर टाइम संयुक्त मोर्चे की बात करते हैं और आगे लोगों को बचाते हैं। आज जो फैसले हुए हैं, एक तो कल को मोटरसाइकिल मार्च, इन सभी जो गांव में 20-25 या 30 आए हैं, इन्होंने बताया कि कल को सोमवार को मोटरसाइकिल मार्च किया जाएगा और संयुक्त मोर्चे के हक में नारे लाए जाएंगे और संयुक्त मोर्चे नूं पूरा सहयोग दिता जाएगा। दूसरा, इन्होंने मांग की थी भी हमें स्टेज पर स्टेज संचालन करना चाहिए। हमने इनको बोला जब तुम बोलोगे तुम्हें तुम्हें संचालन 15 दिन में या हफ्ते में एक दिन दे दिया जाएगा, तुम उनको चढ़ाएंगे। अब इनको 27 तारीख का प्रोग्राम दे दिया है, ये 27 तारीख को स्टेज अपनी संचालन चलाएंगे और अपने वॉलंटियर और सेक्रेटरी इन्होंने होंगे। आज जो लड़ाई अपनी भाजपा सरकार ना चल रही है, वो भाजपा सरकार ना नहीं, मोदी जो है वो अडानी बडानी दी गल सुनता, जो 7 महीने के किसान यहां पर बैठे हैं उनकी आप बात नहीं सुन रहे, उसको बताना चाहते हैं वे जो कब तक काम चलेगा। और आज जो समय जा रहा है इसमें भी बीजेपी में बहुत ज्यादा फुट पड़ गई है और RS भी जोर ला रहा है भी इस आंदोलन को खत्म करो, और खत्म करके किसानों दी मांगों ने जो 3 काले कानून बनाए गए किसानों के खिलाफ, 2 ऑर्डिनेंस और 2 दूसरे बिल ने जेडे, एक पराली वाला दे बिजली वाला बिल भी इसमें शामिल है। ये किसान और ये लोग जो गांव वाले हैं वो हमारा बहुत समर्थन कर रहे हैं, हम बहुत प्यार से रह रहे हैं, हम बड़ा और छोटा भाई हैं और मिलकर रहते हैं। सरकार इसको तार पीड़ो करने के लिए बीजेपी के और गद्दार संघों को पैसे देकर रात को बंदे भेजते हैं और शराब पी के आते हैं और वो बाणा भी दूसरा डालते हैं, निगम का डाल लेते हैं, कोई और कर लेते हैं। हम इसकी निंदा करते हैं और सरकार को चेतावनी देते हैं, इन अनसरों को कंट्रोल करो, कंट्रोल करके इनको यहाँ आने ना दिया जहाँ कोई गड़बड़ न हो। हमारा प्रोग्राम है जो शांतिपूर्ण प्रोग्राम है,
अब आगे देखो इधर देखो जी एक बार ये भी लोकल एक ये भी ऐसा है साथियों, तीन कृषि जो तीन काले कानून है कृषि के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, राई ब्लॉक के तमाम किसान, इस एरिया के पूरे गांव के लोग, चाहे वो कुंडली हो, जाटी हो, शेरसा हो, छोटी जाटी हो, कटकड़ हो, नांगल हो, रसोई हो, नाथूपर हो, पिथोपरा हो, गड्डी हो, या इससे आगे हमारी चौबीसी आतल के गांव है, खेवड़ा है, बालगढ़ है, बुरथड़ है, तमाम राई ब्लॉक के गांव के लोग किसान आज इकट्ठा हुए और उन्होंने अपनी एक मीटिंग की कि वो राई ब्लॉक के सिंह बॉर्डर पर, कुंडली बॉर्डर पर जो किसानों के काले कानून के खिलाफ 7 महीने से धरना चल रहा है, किसान आंदोलन चल रहा है, उसको हमारा पूर्ण समर्थन है और इस एरिए में कोई विरोध नहीं है। जो कुछ फर्जी पंचायतें हो रही हैं वो किसान नहीं है, एक भी किसान नहीं है उनमें वास्तव में, वो किसी खास पर्पज से किसी खास राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, ऐसे ही किन्हीं लोगों को बिठा कर दिखा देते हैं कि ये किसान है, जबकि उनमें कोई किसान नहीं है। पूरे राई ब्लॉक के हर किसान का समर्थन है इस आंदोलन से और लगातार रहेगा, जब तक हमारी जीत नहीं होगी ये आंदोलन जारी रहेगा और राई ब्लॉक के पूरा राई ब्लॉक का किसान इस आंदोलन में तहे दिल से पूरा समर्थन करेगा और लगातार समर्थन रहेगा, चाहे ये आंदोलन कितना ही लंबा क्यों ना चले। हमारे राई ब्लॉक के किसान कभी इसमें पीछे नहीं हटेंगे, हर तरह से हर तरह का सहयोग इसमें जारी रहेगा। यही हमारी आज एक मीटिंग हुई है, सम्मेलन हुआ है, छोटा सा कह लो, प्रतिनिधि है हर एक गांव के किसानों के, इसी बात को लेकर आज पूरा प्रोग्राम तो है हुआ है, ताकि ये जो फर्जी पंचायतें हो रही है किसान आंदोलन के खिलाफ, इनको रद्द किया जा सके, इनका विरोध किया जा सके, इनको रोका जा सके और सबको ये सच्चाई का मालूम हो कि किसान आंदोलन के समर्थन में है, ये सब लोग फर्जी हैं। इतनी बात कहकर मैं आज सभी साथियों का धन्यवाद करते हुए अपनी बात खत्म करता हूं। धन्यवाद साथियों। शमशेर सिंह नांगड़ कला गांव से मैं हूं, जो कि राई ब्लॉक का विशेष गांव है। आज जो हमारे सिंह बॉर्डर कजारिया हाउस में एक मीटिंग हुई है, इस मीटिंग के बारे में आपको पहले प्रधान जी और भक्तों ने बता दिया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो किसानों के खिलाफ केंद्र की सरकार ने कृषि विरोधी कानून बनाए थे, उसके संबंध में 7 महीने से लगातार शांतमय और बहुत तादाद में ये आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार समय समय पर अपने शरारती तत्वों के माध्यम से इस संघर्ष को फेल करने के ताक में रहती है और समय समय पर षड्यंत्र रहती है। इसी तरह यहाँ के जो सिंह बॉर्डर के आसपास के गांव हैं, कुछ लोग जो गिनती के को 15-20 आदमी हैं, जिनका किसानों से कोई संबंध नहीं है, वो बीजेपी और आरएसएस के वर्कर हैं, उनके माध्यम से यहाँ पर लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये लोग जो किसान आंदोलनकारी बैठे हैं इनकी तरफ से हमारे को परेशान किया जाता है, तो लोगों को भड़का रहे हैं। उसके संबंध में आज जो मीटिंग हुई है, ये इलाके के सभी गांव के सभी मौजूद आदमी इकट्ठे हुए और इस आंदोलन को शांतमय चलाने के लिए गांव-गांव में मेडिकल कैंप और पंचायती करने के लिए भी आज जो बातचीत हुई है। और इसके अलावा मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि पहले आपको बताया गया कि टिकरी बॉर्डर पर जो 16 तारीख को घटना घटी, जिसमें एक आदमी ने वहां पेट्रोल पंप से पेट्रोल लेकर 50 रुपए का पेट्रोल लिया, बोतल में डलवाकर वो हमारे जो आंदोलन चल रहा है वहां पर आकर अपने सिर पे डाल के आग लगा ली, और आग लगाने जब आग का पता हमारे किसानों को चला तो उन्होंने भागकर उसकी आग बुझाई, और आग बुझाने के बाद उससे पूछा गया कि तुमने ये आग क्यों लगाई है, उसने बताया कि मेरा घरेलू मसला है,
मैं घर के आदमियों से परिवार से बहुत परेशान हूं। तो पूछा गया कि किससे परेशान है, उसने कहा कि मैं अपनी पत्नी और सारे परिवार से ही परेशान हूं। और उसका भाई भी आ गया और भाई ने जब उसके साथ आया तो उसने कहा कि तुम वीडियो क्यों बना रहे हो। सो उसके बारे में इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए कुछ मीडिया वाले लोगों ने कहा कि ये किसानों ने झोपड़ी में आग लगाकर किसान को जला दिया, जबकि ये सब झूठ है। इसके संबंध में आज हमारा संयुक्त किसान मोर्चे का एक डेपुटेशन एसपी जजर को मिला, जिसमें मैं भी साथ में था, और एसपी साहब को सारी घटना से जानू करवाया गया। और एसपी साहब खुद माने कि ये जो वीडियो उसकी पहले बनी है वो मेरे पास आ गई है और मेरे को एक दो दिन का समय दो और मैं इसकी पूरी तहकीकात करके तो जो ये नजायज पर्चा हुआ है इसको डिस्चार्ज करूंगा। और मैं ये मीडिया के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि जो आग लगने की घटना हुई, जो किसानों के साथ जोड़ी जा रही है, वो बिल्कुल झूठ है। किसानों का उसके साथ कोई संबंध नहीं है। जो पर्चा किया गया वो भी गलत है और जो कृष्ण नाम का आदमी जो और जो पकड़े गए वो बिल्कुल गलत पकड़े गए हैं। केवल केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए ऐसे षड्यंत्र रच रही है जैसे कि पहले भी रचे गए थे और अब भी। इसी सिंगू गांव के साथ साथ में जिसके संबंध में आज मीटिंग हुई है आपको बताया गया। और एक बात मैं मीडिया के माध्यम से सभी देशवासियों को और संसार के लोगों को बताना चाहता हूं कि जो केंद्र सरकार है ये किसानों की मांगे इसलिए नहीं मान रही, इसको ज्यादा लंबा कर रही है कि इस संघर्ष को इस तरह के षड्यंत्र रच के तो ये फेल किया जाएगा, बिना मांगा मानी इनको यहां से जाने के लिए मजबूर किया जाएगा। लेकिन सरकार को बताना चाहते हैं कि किसान आंदोलन जो बिल्कुल शांतमय चल रहा है ये अपनी मांगे मनवाकर ही यहां से जाएगा और ये जितनी मर्जी षड्यंत्र रच लें इनका षड्यंत्र जैसे पहले कोई कामयाब नहीं हुआ आगे भी नहीं होगा। धन्यवाद। साथियों, आज से तीन चार दिन पहले आप सब जानते हैं कि सीएम हरियाणा खट्टर जी की मुलाकात अमित शाह से हुई थी। उसके बाद लगातार मीडिया में और कल के अगर आप नेशनल चैनल्स के प्रोग्राम भी देखो तो उसमें काफी स्टोरीज ऐसी लगाई गई हैं जो हमारे किसान आंदोलन को बदनाम करने वाली है। जैसे अभी बताया गया कि जो सुइसाइड हुआ आग लगने से उसको बोल रहे कि होमिसाइड हुआ है। जैसे यहां इस आज जो बैठक हुआ है ये एक हमने वो कदम उठाया है कि एक इन गांव में भी कुछ ऐसे तत्व हैं जो हमारे आंदोलन के विरोध में प्रचार करके इसके खिलाफ एक माहौल बनाना चाहते हैं। ऐसे नेशनल मीडिया में भी प्रिंट मीडिया में भी बहुत सारी स्टोरीज लगाने की कोशिश की है और सेंट्रल गवर्नमेंट का मैं जानता हूं कि जब भी आंदोलन के खिलाफ इस तरह का प्रचार शुरू होता है अगर हम उस चीज से चौकस नहीं होंगे तो कोई ना कोई तरीके से वो आंदोलन को बिखराने आंदोलन को बदनाम करने। यहां लोग शराबे पीते हैं, यहां महिलाएं आती हैं, यहां तरह तरह के जो प्राइम टाइम्स में भी दोष लगाए गए जो गोदी मीडिया है मेनली उसमें। सो आज की बैठक उसी क्रम में एक स्टेप है क्योंकि जो भी घटना घटे हमें पहले पता चले और आज के जो हमारे गांव के यहां जैसे हमारे हवा सिंह जी हैं और दूसरे गांव से जितने भी हमारे साथी आए थे उनका मैं जहां संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से धन्यवाद करते हुए ये बताना चाहता हूं कि जैसे एक कमेटी बन गई है, गांव गांव में चौपाल होंगे, पंचायतें होंगी, इसी तरह स्कूटर मोटरसाइकिल मार्च होंगे, मेडिकल कैंप लगाया जाएगा इसी जगह में, आंखों के ऑपरेशन किए जाएंगे, आंखों का कैंप लगा के
इसके साथ ही दूसरे प्रोग्राम भी, जैसे सद्भावना मिशन का नाम इसको हमने दिया है, इस सद्भावना मिशन के तहत सद्भावना दिवस जो है वो 27 तारीख को रखा गया है, जो हमारे साथियों ने बताया कि पूरे लोकल लोग जो है उस दिन मंच पर रहेंगे। और धरने के इर्द गिर्द कुल गांव कितने हैं, दिल्ली के कितने हैं और हरियाणा सोनीपत के कितने हैं, उनकी पूरी लिस्ट बना के पूरे जितने भी इसमें बैड एलिमेंट्स जो धरने के खिलाफ हैं उनकी सूची बनाई जाएगी और उसके पूरे धरने में और गांव में प्रचारित किया जाएगा ये लोग हमारे धरने के खिलाफ बल्कि प्रचार कर रहे हैं। इसको लेकर एक हाथ पर्चा बांटा जाएगा गांव-गांव में, जिसमें जो लोगों को परेशानियां हुई हैं हमारे धरने की वजह से उसके लिए क्षमा मांगते हुए, उनका धन्यवाद करते हुए, और आप ये जो एलिमेंट है बीजेपी आरएसएस के उनसे चौकस रहने की आह्वान करते हुए गांव से लोगों को इस आंदोलन को कामयाब करने की अपील की जाएगी। सो ये आज की बैठक हमारे, ये सद्भावना मिशन पहले से चालू है, जारी रहेगा, और ये लोकल लोगों का जो सद्भावना हमसे है इसका मैं फिर दोबारा धन्यवाद करते हुए ये आपको बताना चाहता हूं कि यही नहीं, टिकरी बॉर्डर में भी, गाजीपुर बॉर्डर में भी, सब बॉर्डर्स के ऊपर हमें लोकल लोगों ने जो सहयोग दिया है, इसके बावजूद कि यहाँ दुकान वाले मॉल्स वाले लोगों को बहुत नुकसान हुआ है, बहुत सारी तकलीफें झेलनी पड़ी हैं, इसके बावजूद भी उन्होंने खुद आगे होके इस आंदोलन में शिरकत की है, ये एक अपने आप में मिसाली चीज है। यही आंदोलन की असल में एक 7 महीने कामयाबी तक चलने के लिए गारंटी बना है। सो मैं इतनी बात कहते हुए आगे हमारे मास्टर जी हैं उनको माइक देता हूं। आज की जो बैठक हुई इससे पहले और भी बैठकें हुई हैं, आसपास के इलाके के जितने भी गांव जितने भी साथी उन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। संयुक्त किसान मोर्चे को तन से मन से धन से पूरी तरह सहयोग दे रहे हैं और मैं सरवजा के यहाँ तलखाप की तरफ से, इस इलाके की तरफ से और हरियाणा की में जितने भी खापे हैं आप सभी को मैं बता देता हूँ कि हरियाणा के अंदर खापों का एक विशेष महत्व है। जब ये खापे खड़ी हो जाती है तो सरकार को बढ़ाने का काम भी करती है और पलटने का काम भी करती है। आज ये खाप इस मूड में आ चुकी है कि सरकार गिराने का काम करेंगी, आगे सरकार का जो है ना दुम भाग भगाने का काम करेंगी। आगे जो चुनाव होगा, और मैं श्रद्धा के अंतल खाप की तरफ से हरियाणा की तरफ से ये आपको आश्वासन दिलाता हूँ संयुक्त मोर्चे को कि जब तक हमारे शरीर के अंदर खून का एक कतरा रहेगा हम ये लड़ाई आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते रहेंगे और जब तक हम वापस नहीं हटेंगे, जब तक ये सरकार ये तीनों काले कानून वापस नहीं लेगी, एमएसपी की गारंटी नहीं देगी, तब तक हम ये लड़ाई जारी रखेंगे आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी 3 जो नौजवान साथी हैं, पीछे रविंद्र जी हैं, अमित हैं, एडवोकेट हैं, लोकल साथी हैं, तो मेन तौर पर तीस सेकंड में आप मेरा गांव रसोई है जो धरने के बीचों बीच है, संजय खरेटा मेरा नाम है। हमारा जो किसान आंदोलन है ये बहुत ही पवित्र आंदोलन है और इस पवित्र आंदोलन को जो बदनाम करने की कोशिश की जा रही है शायद ऊपर वाला उन्हें माफ नहीं करेगा। तरह तरह के हथकंडे सरकार द्वारा अपनाए जा रहे हैं और हमारे क्षेत्र के कुछ है सामाजिक तत्व सरकार के चुंगल में फंसकर सरकार द्वारा प्रायोजित षड्यंत्रों के द्वारा इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि भाई सरकार तो आनी जानी चीज है, एक समय आएगा सरकार चली जाएगी तो हमें आपस में मिलजुल कर यही रहना है। सरकार द्वारा इस षड्यंत्र में ना फंसे ये आंदोलन किसानों का न होकर सभी जीव जंतुओं मानव जितने भी जीव मनुष्य समेत सभी के लिए है। सभी को खाना चाहिए, खाने के लिए जीव जंतुओं को भी हमें मनुष्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। जब हमारी निर्भरता अपनी ही पूरी नहीं होगी तो जीव जंतु कहां से खाएंगे। तो सभी से एक बार फिर अनुरोध है कि वे सरकार द्वारा प्रायोजित किसी उसमें असामंजस्य में न फंसे और किसानों की मदद करें। और कुछ है उनसे फिर आग्रह है
कि भाई किसी आंदोलन को, पवित्र आंदोलन को बदनाम न किया जाए। मेरा नाम अमित ओम प्रकाश खापरा है, मैं विलेज प्रीतमपुरा राय सोनीपत से हूँ। दोस्तों, आज हमारी जो मीटिंग हुई थी उसमें हमने एक चीज का, यहाँ शेरसा गांव में कोई भाई है नांदड़ करके, वो आसपास के गांव में लोगों को भड़काने का काम करके और इस आंदोलन को बार बार खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि भाई कुछ एक असामाजिक तत्व है उनको किसानों के बीच में लाकर और उनसे ही झगड़ा करवा के आसपास के लोगों को भड़काने का काम कर रहा है। आज संयुक्त किसान मोर्चा में जो मीटिंग हुई उसमें इसी चीज पे हमारी चर्चा हुई है कि 27 तारीख आने वाले रविवार को मेन मंच पे बहुत अच्छे तरीके से अपना पूरे हरियाणा और आसपास के लोकल गांव से वहां पे प्रोग्राम किया जाएगा। पूरे रविवार को सिर्फ हरियाणा का और आसपास के गांव का ही प्रोग्राम चलेगा और आने वाले समय में जैसे यहां पे पहले भी किए जा चुके हैं, आंखों के ऑपरेशन हुए हैं लोकल में, सभी आदमी खुश हैं, लेकिन कुछ एक आदमी अपने 10-5 आदमी इकट्ठे करके ऐसा कुछ दिखा देते हैं कि भाई वहां पे तो आंदोलन में झगड़ा हो गया, वो इस तरह का बनावटी बातें करके आंदोलन को खराब करना चाह रहे हैं। इसीलिए हम आप सभी न्यूज वाले माध्यम से सभी को बताना चाहते हैं, इस तरह की कोई भी यहाँ पे दिक्कत परेशानी नहीं है। आसपास के गांव सभी किसान मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा के साथ में हमेशा खड़े हैं, स्टार्टिंग से खड़े हैं और आने वाले टाइम में हमेशा तक खड़े रहेंगे। धन्यवाद। एक लास्ट में रविंदर जी हो रहे हैं, रविंदर जी हो रहे हैं। मेरा नाम रविंदर है, गांव मुरथला है, भारतीय किसान पंचायत जो हमारा संगठन है उसका अध्यक्ष हूँ मैं। जो सरकार चाले चल रहा है हर एक साल फैल हो रहा है, सच्चाई अब पर आग्रह झूठ कुछ के चल जा रहा है। इन्होंने पिछले साल जब लॉकडाउन लगाया सब गांव में मजीब जाति पुलिस की सब घरा बढ़ जाते, इतना पूरी दहशत मलाई डाकुआ तभी पूरे दिखने लगे पुलिस वाले, घर में बूढ़ा बालक जवान करता बाहर गली में जी जा बोला पुलिस आज भीतर बढ़ जाओ। उसमें समस्या क्या हुई, गांव में जो बीजेपी के आदमी है ना, आरएसएस के आदमी, वो एक आदमी गांव में कुछ ही से 2-4 बालक होया कर अकीन नजू करके लेना उजरा उजरा करते हुए पीछे पीछे हो लिया कर। उन्हें के कराया जो गांव में बोले बाहर के किराएदार है ना इन्हें काटो, मुरथला गांव मारे में किराएदार बहुत रहे हैं, इंग्लिश एरिया है, बोले इन्हें बाहर काट दो। बोले ये बाहर इनका मकसद क्या है, खाली जात धर्म के झगड़े करवाना, जात में बांटना। हाँ, सारा जो सिस्टम है इसने जो समझ गए लोग, अगर भाई आपस में लड़वावे आपस में पाड़ करवावे हैं, जो आड़े के लोग हैं उनके भीतर किसी तरह का बैम भर दो और वे लड़ पड़े और आपस में बदनाम कर दो। इनकी चाल आना समझ चुके हैं। गरीब आदमी के लिए सरकार के कर रही है, सरसों का तेल के भाव में लग रहा है, सिलेंडर क्यों कर दिए, वे भरे क्यों कर जा है, सारी समस्याओं में सब लोग समझ चुके हैं। ये आगे की है ना जो है सब इनकी चाल आना समझ के सब एक रहे हैं। कोई किसान आंदोलन नहीं है, पूरी देश की जनता का आंदोलन है। धन्यवाद जी। सवाल जी, लक्ष्मणपाल जी हरियाणा राज्यसभा सांसद हैं, रामचंद्र जाड़ा, उन्होंने कहा कि जितने भी धरने चल रहे हैं, जितने भी आंदोलन चल रहे हैं, वहां पर नशा खोरी हो रही है, वेश्यावृत्ति है, वो हो रही है, उस पर आपकी क्या? वही मैं बोल रहा हूँ कि ये जो सब बयान आने लगे हैं, जिस दिन अमित शाह और सीएम हरियाणा की बैठक हुई है उसके बाद केवल लीडर नहीं, दुष्यंत चौटाला नहीं, या ये जो जिनका आप नाम ले रहे हो, ये सब लोग एक बोली बोलने लगे, मीडिया में भी हो रहा है, न्यूज चैनल में भी और प्रिंट मीडिया में भी। तो ये एक उनकी गिनी मिठी साजिश के तहत जो साइकोलॉजिकल वारफेयर जिसको हम बोलते हैं, जनता में एक भ्रम फैलाना और बदनाम करने की कोशिश करना, उस तरह के इंसिडेंट को अंजाम भी देना, जैसे उधर मैं पहले भी बात किया हूं कि यहाँ जैसे शेरशाह गांव वाली बात करने जा रहे हैं, उधर वो जलकर मर गया, होमिसाइड है उसको, होमिसाइड ये बोल रहे हैं कि मार दिया गया है, ये सब जो है ये आंदोलन को किसी न किसी तरह से बदनाम करने की कोशिश है, जिसके लिए हम काफी चौकस है और हम काफी प्रिकॉशन ले रहे हैं। धन्यवाद।
दक्षिण भारतीय अनिल विज ने कहा है कि अब जो किसान आंदोलन है वो किसान नेताओं के हाथ से चल चुका है और जो युवा पीढ़ी है जो असामाजिक तत्व है उनके हाथ में चला गया है, उसके अंदर नहीं, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। रोज बैठक होती है, रोज फैसले होते हैं, किसानों ने 26 तारीख के फैसले की है, संयुक्त किसान मोर्चा का 26 का फैसला पूरे देश में गवर्नर को एक रोष पत्र देते हुए रोष मार्च निकालते हुए दिया जाएगा। अगर किसान नेताओं के हाथ में नहीं हो तो हर रोज के फैसले इम्प्लीमेंट कैसे होते हैं?